गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट दूंगी तो उन्होंने एक जिन्हें अपने टॉपिक्स हो चुके हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक अपने किया इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड सेकंड थे अपने किया एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड वन अपने किया आइंस्टाइन फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन एंड फोर्थ वन अपने की किया कल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अपने फोटोन बारे पढ़िया सी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। ओके जी, तो मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन थानू ड्यूल नेचर बारे दी सी। ओके, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करन तो पहला मैं थानू अज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन नू मैं थोड़ा जा एक्सप्लेन करूँगी। उदू पहला मैं असाइनमेंट दे दा, असाइनमेंट दे विच तो मैं समझानी है कि कुछ करना। देखो जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, ये मैं तुम्हें करवाए हुए हैं। जो मैंने एक्सपैरिमेंटली स्टडी करवाई सी ना फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन की, एक्सपैरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन की सीगा भी अपने को एक चैंबर लिया, क्लोज चैंबर, वो उपर अपने दो प्लेट्स लिया सी, है ना, एक एस प्लेट एक कलैक्टर। वो उपर अपने की पाई सी लाइट इंसीडेंट करवाई सी फोटो सेंसिटिव प्लेट के उपर, तो अपने इलैक्ट्रॉन की हुए थे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कलैक्टर से की हुए थे कलैक्ट हुए थे, है ना। रिपल्शन के थ्रू घट फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होया सी एंड अट्रैक्शन के थ्रू फोटो इलैक्ट्रिक करंट अपने को मैक्सिमम अमाउंट के होया सी, बट जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट होया सी वो सर्टन लिमिट से ही प्रोड्यूस होया सी, मैं तुम्हें दसते सी। तो ये लॉज भी मैंने डिस्कस किए थे, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, ये लॉज डिस्कस करने ने, मतलब राइट डाउन करने ने ऑन योर नोटबुक एंड सेंड मी ऑन योर ऑन माई परसनल नंबर या फिर कितने भेज सकते हो जीमेल आई डी। ओके बेटा, जिहड़ा सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम, सीजियम मेटल है, इज 2.14 EV। यदा मतलब की है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का मतलब की है भी थोड़े को हैगी फाई नॉट वर्क फंक्शन। मैं तुम्हें कहा ना भी अब मैं जो इलैक्ट्रॉन बाहर क्ढना हो फस्ट वे दसिया मैंने लैक्चर के अपन एक एनर्जी की लड़ पैंती है, दैन वो एनर्जी कि फॉर्म से यूज होंगी अपनी वर्क फॉर्म की वर्क फंक्शन की फॉर्म च फाई नॉट। आ अपने को फाई नॉट दिता है 2.14 EV। इन्हों ना ईवी देखो जो अपना वर्क फंक्शन है ना वो एनर्जी जाउल होंगी वो यूनिट, जो तुम इन जाउल च कन्वर्ट करना चाहो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल लगा सकते हो। ओके बेटा, क्लीयर हुई मेरी गल, मतलब ईवी लिखा है ना ईवी, एक इलैक्ट्रॉन वोल्ट के किन्ने जाउल होंगे ने 1.6 × 10⁻¹⁹ मतलब 2.14 नो तुसी 1.6 × 10⁻¹⁹ ना मल्टीप्लाई करोगे तो आपके को जो आंसर आऊगा वर्क फंक्शन आऊगा वो जाउल जा जाना। की कुछ पता करना, एक तो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी अपने रिप्रजेंट किया कि न्यू नॉट के नाल कि किया न्यू नॉट। ये मैं तुम्हें दसिया जो अपने को फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होंगी है दैन वो जी फ्रीकुएंसी प्रोसैस के यूज होंगी अपने थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी का नाम दिता सी। एक तो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है फॉर द सीजियम एंड एक वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ध्यान नाल देखो वेवलेंथ नूं आपां रिप्रेजेंट करदे आं लैमडा नाल, लैमडा फाइंड आउट करना ऑफ द इंसीडेंट लाइट इफ द फोटो करंट, जिहड़ा फोटो करंट है। देखो आपां ने ना फोटो इलैक्ट्रिक करंट ही फाइंड आउट किया सी ना जदों एक्सपैरिमेंटल स्टडी की सी फोटो इलैक्ट्रिक करंट की। वेवलेंथ ऑफ इंसीडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज़ ब्राउट टू जीरो, कदों पता करना जो अपने को फोटो इलैक्ट्रिक करंट कि आ गया जीरो दे विच आ गया। मैंने करवाई सी ना ये वाली चीज़ भी कदों उहदी सर्टेन लिमिट आ उत्थे ही करंट वाधा करता है ना, तो उत्थे तुसीं पता करना है जो अपने को फोटो करंट की वैल्यू की आती है जीरो। फोटो करंट की वैल्यू जीरो कदों आती सी जो आप अपलाई करते वाया स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब पोलैरिटी आप चेंज करते होंगे सी। ये तुहानू तां ही पता लगू है न्यूमेरिकल का, अगर तुसीं पिछला टॉपिक एक्सपैरिमेंटल ऑफ स्टडी ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट ध्यान नाल समझा हो, ठीक है। तो उस दे लई जिहड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया 0.60 वोल्टेज सी, उत्थे मेरे को जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होया सी वो कितना प्रोड्यूस होया सी जीरो, तो उस टाइम तुसीं वेवलेंथ प्रोड्यूस करवानी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, तो आपने को वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने वी नॉट ना रिप्रजेंट किया कैपीटल वी नॉट। हुण तुहाडे कोल एक तो वी नॉट दिता होया एक फाई नॉट दिता होया, तुसीं पता करनी एक तो न्यू नॉट एक लैमडा। न्यू नॉट के लिए तो सिंपल फाइन
फाइंड आउट कर दोगे अपने को फाई नॉट का फॉर्मूला एच न्यू नॉट है ना, फाई नॉट की वैल्यू भी हैगी है, न्यू नॉट फाइंड आउट कर दोगे एच हैगा 6.623 इंटू 10⁻³⁴ जाउल सैकेंड, ये तो तुम फाइंड आउट कर दोगे थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी एंड हम वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए तुम, मैं तुम्हें कल एक फॉर्मूला करवाया से ना रिलेशन विद थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल करवाया से ना मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेशन, मैं तुम्हें दोबारा दिखा दिनी आ देखो आ वाला रिलेशन की सी अपने को रिलेशन की सीगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये ना ई वी नॉट आ वाला आ रिलेशन है ना भी रिलेशन अपने को फाइंड आउट होया ई वैल्यू तो पता है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ वी नॉट तुम्हें क्ढना है एच हैगा 6.603 इंटू 10⁻³⁴ न्यू न्यू किमें क्ढोंगे न्यू नी लिख दोगे सी अपॉन लैमडा सी हों 3 इंटू 10⁸ एंड वेवलेंथ वेवलेंथ तुम्हें फाइंड आउट करना वी नॉट अपने को सच वी नॉट कि अपने को 0.60 हैगा ना अपने को फॉर्मूला लगाओगे आ देखो आ वाला फॉर्मूला ई वी नॉट ये मैं तुम्हें कल कैलकुलेट करके दिखाया सी तो ये भी तुम्हें तो पता लगू जी तुम्हें पिछली वीडियो देखी हुई है ठीक है ई अपने को वैल्यू है जो 1.6 इन प्रिंसिपल माइनस 19 वी नॉट अपने को दिता हुआ 0.60 एंड एच एच की वैल्यू 6.63 इन प्रिंसिपल माइनस 34 एंड न्यू लिख दूंगे सी अपॉन लैमडा क्योंकि ये तो अपने को लैमडा भी निकलिया होगा फाई नॉट उन्होंने दिता पे 2.14 इंटू 1.6 इन ट्रांसफर माइनस 19 सी इस दी वैल्यू पुट कर दोगे 3 इंटू 10⁸ क्लीयर हो गया ये तोड़े को लैमडा की वैल्यू निकल आऊगी क्लीयर हो गया यही चीज़ा फाइंड आउट करनिया सी फिर भी जो ना पता लगे तो मैं पूछ लो ठीक है वैसे तो मैं उम्मीद है भी तुम्हें ये पता लग गया होना हूँ अगला नुमेरिकल आ गया देखो अगला नुमेरिकल की है अगला नुमेरिकल है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3.3 इंटू 10⁻²⁹ किलोग्राम मीटर पर सैकेंड मतलब ये तो वैल्यू दी हुई है पी की मोमेंटम पी न डिनोट करते हैं वट इज़ द फ्रीकुएंसी तुम एक तो फ्रीकुएंसी मतलब न्यू फाइंड आउट करना है एंड वेवलेंथ मतलब कि लैमडा ऑफ द वेवस एसोसीएटड विद इट जे अपने को एच की वैल्यू दी हो क्लीयर होया हूँ अपने एक तो न्यू फाइंड आउट करना है एक अपने फाइंड आउट करना है लैमडा न्यू फाइंड आउट करने के लिए तो देखो मैं कल एक फॉर्मूला करवाया सी की करवाया सी भी ई इज इक्वल टू की हुंदा अपने कोल एच न्यू हुंदा हुंदा ना या फिर मैंने तुम्हें करवाया सी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर करवाया सी ना ये दोनों इक्वेशन ई मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं है ना या फिर मैं तुम्हें कहा कि जो अपना फोटोन ट्रैवल करता विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट नाल ट्रैवल करता जो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट नाल ट्रैवल करता तो वी इज इक्वल टू सी या फिर आप लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी इन टू सी लिख सकते हैं एम सी नू की लिख सकते हैं क्योंकि अपने को मोमेंटम की वैल्यू होंगी पी सी एम एम सी कल मैं ये चीज़ करवाई सी तुम्हें तो पिछला टॉपिक ध्यान नाल देखा करो तुम्हें समझ आऊगा तो इनू आप पुट कर सकते हैं मोमेंटम पी सी हूँ थोड़े को देखो सारे दी वैल्यूज है ने पी की वैल्यू हैगी 3.3 इंटू 10⁻²⁹ एच की वैल्यू हैगी है ना 6.63 इंटू 10⁻³⁴ न्यू नहीं है न्यू फ्रीकुएंसी कर लोंगे एंड सी सी भी है 3 इंटू 10⁻⁸ ये थोड़े को निकलेगा न्यू निकलेगा फ्रीकुएंसी एंड तुम्हें वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ भी तुम इस तो ही फाइंड आउट कर लोगे जब वेवलेंथ का फॉर्मूला सिंपल की होंगे अपने को न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा न्यू की वैल्यू अपने को आ गई सी की वैल्यू अपने को 3 इंटू 10⁻⁸ है सिंपल की वैल्यू कट लोगे लैमडा की तो ये थोड़े को लैमडा फाइंड आउट हो जाऊ ये नुमेरिकल थोड़े तो ही होने जो तुम पिछला टॉपिक ध्यान नाल देखे हुआ है जो तुम पिछले टॉपिक्स ध्यान नाल नहीं देखे तो प्लीज़ हूँ पहले ध्यान नाल देख लो ओके बेटा नैक्सट ये मैं तुम्हें हिंट्स दे रही हूँ ये आंसर तुम मैंने रिप्लाई करना कि मेरे नंबर पर कर सकते हो या फिर तुम मेरी जीमेल आई डी ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोनस हूँ तुम नंबर ऑफ फोटोनस फाइंड आउट करना है एमिटेड पर मिनट मतलब एक मिनट के किन्ने सैकेंड होंगे ने 60 सैकेंड के पता करना बाय 25 वॉट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वेवलेंथ मतलब लैमडा दिता पे एच की वैल्यू दी पई है 25 वॉट की है पावर दी पई है
नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ फोटॉन मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हाँ जी, अपने नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुम की करोगे तुम वैसे तो इन्हें इस तरह के टॉपिक इस तरह न्यूमेरिकल प्लस वन भी किए हुए हैं, नाइन टेंथ के भी आप करते हैं। एक बार मैं तुम्हें दोबारा दस दी हाँ, देखो अपने को एक तो पी की वैल्यू है ना, एक अपने को लैमडा की वैल्यू है, एक अपने को एच की वैल्यू है, एक अपने को टाइम की वैल्यू टी है ना। तो अपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो अपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करोगे अपने को सब तो पहले फाइंड आउट की करोगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन की होंगे ई इज इक्वल टू एच न्यू। हूँ न्यू तो अपने को है नहीं बट लैमडा है, एंगस्ट्रॉम पहले मीटर के चेंज करोगे। ओके, तो तुम न्यू नू लिख सकते हो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा है ना। तुम एच की वैल्यू पुट कर दोगे, सी की वैल्यू पुट कर दोगे, लैमडा की वैल्यू पुट कर दोगे, तुहाडे कोल एनर्जी निकले फोटोन की। नंबर ऑफ फोटोन कढ़न तो पहले एनर्जी फाइंड आउट करोगे। ओके, जो एनर्जी फाइंड आउट करती तो उन्होंने की कहा है भी एनी जी अपने को एनर्जी एमिट होंगी आ बाय द किन्नी पावर अपने को 25 वाट किन्ने मिनट के किन्ने, देखो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर मिनट, एने मिनट के 25 वाट किन्ने दे नाल एनर्जी एमिट होंगी है बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक। तुहाडे कोल ए तो एक एनर्जी निकले होगी, जो मतलब दोनों एनर्जियां निकलनी, एक तो ई वन आ गई, एक अपने को तो एनर्जी कढ़ोगे। यदा एनर्जी का फॉर्मूला होंगे ना अपने को होंगे अपने को पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होंगे ना, वर्क अपॉन टाइम, या फिर वर्क इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, या तुम इन लिख सकते हो पी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो, या फिर पी टी इज इक्वल टू ई। हूँ एक तो एनर्जी निकली, ए तो एनर्जी किमें निकलेगी, पी की वैल्यू हैगी 25 एंड टाइम हैगा 60 सैकेंड, ए तो एनर्जी निकली निकली। जी आ वाली एनर्जी आई है मतलब 25 वाट वाली जी एनर्जी आई है आ वाली ई टू एनर्जी आई है, उन्होंने तुम डिवाइड करोगे, जो कि डिवाइड करोगे अपने को डिवाइड करोगे तुम ई वन के नाल। देखो तुम किमें डिवाइड करोगे, हूँ ध्यान नाल देख लो, ध्यान नाल देखो तुम दोनों एनर्जीज फाइंड आउट कर लिया। मैं दोबारा दस दी हाँ ध्यान नाल की हैगा अपने को नंबर ऑफ फोटोनस फाइंड आउट करने हैं। जो तुम नंबर ऑफ फोटोनस फाइंड आउट करने हैं सब तो पहले तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, ई की लिखोगे तुम लिखोगे ई वन इज इक्वल टू, ई वन इज ई टू इज इक्वल टू एन ई वन आ वाला फॉर्मूला लिखोगे। मतलब ये थोड़े को दो एनर्जीज निकलनिया चाहिए। मैं तुम्हें सिंपल तरीका दसदी हाँ, जो भी तुम नंबर ऑफ कुछ क्ढना हो वाला फॉर्मूला लिखोगे। जो तुम हम नंबर ऑफ फोटोनस क्ढन जा रहे हो तुम आ वाला फॉर्मूला लिखोगे, लिख लिया तुम किमें लिखोगे, देखो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोनस एमिटेड पर मिनट बाय अ 25 वाट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सब तो पहले तुम 5 एंगस्ट्रॉम मतलब जो फॉर्मूला लगाने ने ई इज इक्वल टू एच न्यू, वो तो ई वन कढ़ लो, ई वन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा, एच की वैल्यू हैगी है, सी की वैल्यू हैगी है, लैमडा मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, ई वन निकले है सिंपल। हूँ तुम ई टू कढ़ोगे, जो ई टू कढ़ोगे ई टू तुम कढ़ोगे एक मिनट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, एक तुहाडे कोल 25 वाट जिन्ना सोर्स तुम लै रहे हो वो तो एनर्जी निकलो ई टू, मतलब वो हमेशा ही एनर्जी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू वेवलेंथ वाली एनर्जी। ठीक है, आ वाली एनर्जी तो तुम्हारे कोल की है 25 वाट पावर है एंड टाइम अपने को 60 है, मतलब आ वाला फॉर्मूला यूज करके अलग आया ना, पी इज इक्वल टू डबल्यू अपॉन टी, डबल्यू इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, था मैंने पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी लिया था, तो ई टू ए तो निकला है पी इंटू टी, दो टाइम निकले, दो एनर्जीज निकले हैं। मान लो थोड़े को आंसर आ गया ए एंड एदा आंसर आ गया बी, दोनों का आंसर आ गया, दोनों का आंसर आ वाले फॉर्मूले पुट कर दूंगी, ई टू की वैल्यू आई है बी एंड एन, ई वन की वैल्यू आई है ए, तुसी डिवाइड कर दोगे बी अपॉन ए, अपने को आंसर कितना आ गया एन। समझ आ गया, मैं सिंपल तरीका दसिया तो नंबर ऑफ फोटोनस फाइंड आउट करन दा, मतलब पहला तुसी वेवलेंथ दे नाल एनर्जी कढ़ लो ई वन मान लो, फिर तुसी वाट दे नाल एनर्जी कढ़ लो ई टू मान लो, फिर तुसी फॉर्मूला लगाओ, पहले ही फॉर्मूला लिख लो ई टू इज इक्वल टू एन ई वन, मतलब जी वाट वाली एनर्जी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ई वन, उन्होंने डिवाइड कर दो थोड़े को जिन्ने नंबर ऑफ फोटोनस आएंगे। समझ आ गई मेरी गल, क्लीयर हुई। हूँ लास्ट वाला न्यूमेरिकल, जिहड़ा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल की है, देखो वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम, हूँ अपने को सोडियम आ द सेम ही है न्यूमेरिकल एज दैट ऑफ सैकेंड। ठीक है,
वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुण वर्क फंक्शन आपां पता 5 नॉट है ना, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नूं तुसीं जाउल च कन्वर्ट करोगे, उवें 2.3 × 10⁻¹⁹ लिख लिया। डज सोडियम शो फोटो इलैक्ट्रिक अमिशन फॉर ऑरेंज लाइट, तुसीं ये शो करना है भी जिहड़ा फोटो इलैक्ट्रिक अमिशन है वह ऑरेंज लाइट के लिए सक्सैसफुल हैगा कि नहीं, जिहदी वेवलेंथ 6800 आंगस्ट्रॉम। हुण तुहानूं मैं कल चीज़ की दसी सी भी जिहड़ी लाइट आपां इंसीडेंट करवा रहे हैं जे उहदी एनर्जी उहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू जिहड़ी एनर्जी इलैक्ट्रॉन कोल है, जे उहदे कोल एनर्जी ज़्यादा है तां इलैक्ट्रॉन अमिशन होगी, अदरवाइज अमिशन नहीं होंगी। तो तुहाडे कोल की है जिहड़ी अपने कोल आंसर है, हुण देखो अपने कोल जिहड़ा आह वाला वर्क फंक्शन है आ अपने कोल एनर्जी 2.3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है सोडियम का। बट जे तुहाडे कोल आंसर इस तो ग्रेटर आ जाता फिर तो ऑरेंज लाइट के लिए सक्सैसफुल, बट जे अपने कोल इस तो घट आ गया आंसर फिर अपने कोल मतलब 5 नॉट तो आंसर घट आ गया अपना है ना, एनर्जी तो घट आ गया फिर इलैक्ट्रॉन अमिशन नहीं होगी फॉर द ऑरेंज लाइट। समझ आ गई मेरी गल, मैं तुम्हें कल भी चीज़ समझाई सी, दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल मैं तुम्हें कढ़ के दिखानी, देखो अपने कोल की है वर्क फंक्शन की अपन वैल्यू दिती पई है, किन्नी दिती पई है 2.3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इन्हें तुसी तुहानू कुछ भी करन दी जरूरत नहीं, तुसी कंपैरिजन ही करना है। मान लो एक तरह की ही एनर्जी है जिन्नी आपां सिचुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तुसी एक अपने को लैम्बडा दिता पे इहदे लई आपां फाइंड आउट करनी है 6800 आंगस्ट्रॉम, इन्हें तुसी मीटर च कन्वर्ट करोगे तो तुहाडे कोल आ गया सिंपल अपने को 68 × 10⁻¹ मीटर लिख लिया, ठीक है। तुसी ए तो एनर्जी कढ़ लो, एनर्जी किवें कढ़ोगे, उही ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर ई एच सी अपॉन लैमडा, क्योंकि न्यू तो है नहीं अपने को, सी अपॉन लैमडा है। तो एच की वैल्यू होगी 6.63 × 10⁻¹¾ एंड सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁻¹⁸, लैमडा की वैल्यू होगी 68 × 10⁻¹⁸ आ गई। इनू सारे सॉल्व करने तो बस सॉल्व करना आंदा, सॉल्व किवें करोगे, आ पहला 10⁻¹⁸ आ वाले सारे सॉल्व कर लिया करो, इन्हों किवें सॉल्व करते होंगे, आ −8 उपर चले जाओगे, प्लस का 8 बन जो 8 + 8 = 16 −34 चो घटा दो, जिन्ना आंसर आऊगा वो लिख दो। तुहाडे कोल ना इन्ना आंसर आ गया 1.83 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ, जो इन्ना आंसर आ गया, इन्ना आंसर आ गया अपने कोल है ना। तो हम देखो जिहड़ी अपने कोल आ एनर्जी आई है ऑरेंज लाइट की, जिहड़ी एनर्जी आई है एज कंपेयर्ड टू वर्क फंक्शन घट आई है ना, लैस दैन 5 नॉट। जो आ वाली एनर्जी एज कंपेयर टू 5 नॉट घट आऊगी तो इलैक्ट्रॉन अमिशन नहीं होगा, एक गल ध्यान रखियो। मैं तुम्हें कल भी चीज़ दसी सी, अज भी दोबारा दस रही हूँ भी जे इस तरह की चीज़ आ जाए दैन इलैक्ट्रॉन अमिशन विल नॉट अकर सिंस द एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन ऑफ ऑरेंज लाइट इज लैस दैन द वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम, देयर फोर फोटो इलैक्ट्रिक अमिशन फ्रॉम सोडियम कैन नॉट टेक्स प्लेस विद ऑरेंज लाइट। ओके बेटा, थैंक यू।